नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया गठबंधन की बैठक की, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, बात करेंगे राहुल गांधी के मोदी सरकार पर तीखे तंज की, सुप्रीम कोर्ट के सरकार को भेजे गए नोटिस की, जानेंगे रात के अंधेरे में कांग्रेस नेता से क्यों मिलने पहुंचे एमपी के सीएम, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 15 जनवरी को इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं बसपा प्रमुख। इसी दिन होता है बसपा प्रमुख मायावती का जन्मदिन। अपने जन्मदिन पर मायावती कर सकती हैं बड़ा ऐलान। दिल्ली में आपको मिली निर्विरोध सफलता। संजय सिंह, स्वाति मालीवाल समेत तीनों नेताओं को मिली राज्यसभा चुनाव में जीत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 12 जनवरी को ईडी के सामने पेश हुए कीर्ति चिदम्बरम। 50 लाख रुपए की हेराफेरी का आरोप। कंट्रोल के बाहर जाते दिखाई दे रही है महंगाई। खुदरा महंगाई दिसंबर में बढ़कर 5.69% पहुंची। खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ी। नवंबर में 5.55% रही महंगाई दर। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। इंडिया गठबंधन बीजेपी को बड़ा झटका देने जा रही है। शनिवार सुबह गठबंधन की बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में 14 दलों के टॉप लीडर शामिल होंगे। बैठक वर्चुअली हो रही है और इस बैठक के बाद बहुत कुछ साफ होने जा रहा है। इसी बीच मायावती को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से बड़े संकेत मिल रहे हैं। तो क्या रणनीति बना रहा है इंडिया गठबंधन, देखिए इस रिपोर्ट में। इंडिया गठबंधन की बैठक शनिवार को 11:30 बजे बुलाई गई है। इससे पहले लगातार सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर चलता रहा है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इस बैठक के बाद सीट बंटवारे का ऐलान भी किया जा सकता है। इंडिया गठबंधन की इस बार की बैठक वर्चुअली होगी। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, नीतीश कुमार समेत 14 पार्टियों के टॉप लीडर शामिल होंगे। इस वर्चुअल मीटिंग में सभी नेता एक दूसरे से बातचीत करेंगे और आगे की योजना तैयार करेंगे। बैठक को लेकर जो खबरें मिल रही हैं, उसमें इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली का ऐलान हो सकता है। पहली रैली पटना में हो सकती है। साथ ही नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक भी बनाया जा सकता है। अधिकांश दलों की ओर से इस पर सहमति बन चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें जिस बात पर हैं वो है सीट बंटवारे की ओर। और कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद सीट बंटवारे का भी ऐलान हो जाएगा। दरअसल कांग्रेस की ओर से पहले ही कोशिश हो रही थी कि 14 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से पहले सीट बंटवारे का काम हो जाए। संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस को इसमें काफी हद तक सफलता भी मिल चुकी है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। कांग्रेस की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि सबसे पहले वो बीएसपी के साथ सीट बंटवारे पर बात करेगी, उसके बाद ही सपा से इस मुद्दे पर चर्चा होगी। दूसरी ओर सपा चीफ अखिलेश यादव की ओर से सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए पार्टी के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव के नेतृत्व में 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, जो यूपी में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करेगी। साफ है इंडिया में हर मामले में सहमति बन गई है। इंडिया की रणनीति से बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है और उसकी मुश्किल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने भी बढ़ा दी है। ऐसे में बीजेपी की जहां राज्य सरकारें हैं वहां यात्रा के रास्ते में अड़ंगे लगाए जा रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि यात्रा को लेकर लोगों के बीच दिख रहे उत्साह से वो कितनी घबराई हुई है। मणिपुर के बाद असम के सीएम ने तो सीधे सीधे ऐलान कर दिया है कि गुवाहाटी में हम यात्रा को नहीं आने देंगे। तो आखिर क्यों इतना डरी हुई है बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल से होनी थी, लेकिन राज्य की बीजेपी सरकार ने इसमें रुकावट डाल दी। अब यात्रा इसी राज्य से थौबल से शुरू हो रही है। मणिपुर में राहुल गांधी को रैली की अनुमति भी नहीं दी गई और अब असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने ऐलान किया है कि उनके राज्य में भी यात्रा पर कई तरह की पाबंदी रहेगी, साथ ही यात्रा को गुवाहाटी में तय रूट से नहीं जाने देंगे। असम की बीजेपी सरकार का ऐलान बता रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से वो कितना घबराई हुई है और इसी के चलते यात्रा के रास्ते में अड़ंगे लगाए जा रही है। पहले यात्रा के साथ चलने वाले कंटेनरों को स्कूल के मैदान में जगह देने को प्रशासन तैयार हो गया था, लेकिन अब सीएम हिमंता ने साफ कर दिया है कि असम के किसी भी स्कूल के मैदान में यात्रा के विश्राम के लिए जगह नहीं दी जाएगी, साथ ही गुवाहाटी में भी उसे तय रूट से नहीं निकलने देंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने सीएम हिमंता के बयान पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि यात्रा राजनीतिक नहीं है, यात्रा प्रेम और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए निकाली जा रही है। इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी,
दावा तो अब यहां तक किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार भी यात्रा को लेकर कोई नया फरमान जारी कर सकती है। यहां तक कि यात्रा निकालने की अनुमति भी रद्द की जा सकती है। साफ है कि बीजेपी को राहुल की यात्रा की सफलता से डर लग रहा है। कांग्रेस की यात्रा ने बीजेपी की नींद उड़ा रखी है, तो उसकी परेशानी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने और भी बढ़ा दी है। युवा दिवस पर देश के सामने राहुल गांधी ने मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। इस दौरान राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद को भी याद किया है, तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, देश के युवाओं, आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों को फिर से याद करने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं की ऊर्जा को ही एक समृद्ध देश का आधार कहा और पीड़ित और निर्धन की सेवा को ही सबसे बड़ी तपस्या बताया। राहुल गांधी ने कहा, युवाओं को विचार करना ही होगा कि आखिर क्या होगी हमारे सपनों के भारत की पहचान, जीवन की गुणवत्ता या सिर्फ भावुकता। उत्तेजक नारे लगाता युवा या रोजगार प्राप्त युवा, मोहब्बत या नफरत, आज वास्तविक मुद्दों से नजरें फेर कर भावनात्मक मुद्दों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, जो देश की जनता के साथ छल है। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच युवा और गरीब पढ़ाई, कमाई और दवाई के बोझ तले दवा चला जा रहा है और सरकार इसे अमृतकाल बताकर उत्सव मना रही है। सत्ता के अहंकार में चूर शहंशाह जमीनी हकीकत से बहुत दूर हो गया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अन्याय के इस आंधी में न्याय की लौह जलाए रखने के लिए मेरे साथ करोड़ों युवा न्याय योद्धा स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा से प्रेरणा लेकर न्याय का हक मिलने तक इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। सत्य जीतेगा, न्याय होगा। पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने सीधा हमला किया है। राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से तो बीजेपी बहुत पहले से ही परेशान दिखाई दे रही थी। उसे उम्मीद थी कि राम मंदिर से, लेकिन उसकी ये उम्मीद भी टूटती दिख रही है, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ शंकराचार्यों ने ही मोर्चा खोल दिया है और अब शंकराचार्य ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। राम मंदिर का मुद्दा पूरी तरह से गरमाया हुआ है। बीजेपी कांग्रेस को इस मामले में घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब वो खुद ही बुरी तरह से फंसती दिख रही है। पहले से ही शंकराचार्यों की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। पुरी के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निष्ठलानंद सरस्वती ने एक बार फिर सनातन धर्म के नियमों के उल्लंघन की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसीलिए उनसे टकराने की गलती ना की जाए। क्या कुछ बोला है स्वामी निष्ठलानंद सरस्वती ने, आप भी सुनिए। तो आपने आपको राम मंदिर का आमंत्रण मिला, कोई आया था कि आप एक व्यक्ति को लेकर जा सकते, मुझे क्या जरूरत था जाके प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ने की, जरूरत क्या है वहाँ जाकर शंकराचार्य का क्या स्थान होगा, अगर मैं पहुँच ही जाऊँगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा, विचारने तो ये समझ गए, मैं पहुँच जाऊँगा तो मोदी जी का क्या स्थान होगा, या मोदी जी का स्थान होगा तो शंकराचार्य को क्या देंगे, ऐसे ऐसे कर लेंगे और मुझे क्या जरूरत है। जब 124 वर्षों की हमारी गुरु परंपरा है, हजार मोदी आकर के अभी फूंक मारे हैं, हिला डुला नहीं सकते। तो आपने सुना स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को, जो ये कह रहे थे कि हजार मोदी भी आ जाए तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। तो मई 6 तारीख को स्टेटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको कहा, और वो 7 तारीख आपने प्रिंट किया, उसमें स्पष्ट है मेरा जो पर्सनल है या मुझे जो आया है उसके बारे में मैं बाद में कहूंगा। और जहां तक सवाल है, जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं, ये आप ही के पेपर में आप पढ़ लीजिए। मैं ये तो 6 तारीख क्लियर किया हूँ। तो आपने सुना कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो ये कह रहे हैं कि हमने किसी को जाने से रोका नहीं। शंकराचार्य का विरोध अब ये बता रहा है कि बीजेपी के लिए हिंदुत्व की पिच भी इस बार मुश्किल भरी है। उसका हर दांव इस बार उल्टा ही पड़ता दिखाई दे रहा है, धर्म के मामले में भी और कानून के मामले में भी। मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से CJI को हटा दिया है और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेज दिया है, जवाब मांगा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े विधायक पेश किए गए थे, जिसके बाद से ये कानून बन गया। अब इसी कानून को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में चीफ जस्टिस को शामिल करने की मांग पर केंद्र को नोटिस जारी किया,
जबकि कोर्ट ने मौजूदा कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि इस मामले में अप्रैल में अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के अमल में लाने पर रोक लाने से इनकार कर दिया। अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अप्रैल में जवाब मांगा है। इसी अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल से हटा दिया गया था। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने की मांग पर पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्त का चयन चीफ जस्टिस, पीएम और नेता विपक्ष की कमेटी को करना चाहिए, लेकिन सरकार ने नया कानून पास करते हुए इस कमेटी में चीफ जस्टिस को न रखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से नामित प्रतिनिधि को जगह दी है। यानी अब कमेटी में पीएम, विपक्ष के नेता और केंद्र सरकार की ओर से नामित सदस्य होगा। इसे पिछले दिनों संसद में पेश किया गया था। इसे लेकर विपक्ष ने हंगामा किया था और मोदी सरकार पर निशाना साधा था। दोनों सदनों में बहुमत होने के चलते सरकार ने इसे आसानी से पास करा लिया। संसद से पारित नए कानून को कांग्रेस नेता जया ठाकुर, वकील गोपाल सिंह, नमन श्रेष्ठ समेत कुछ और याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है। मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने केंद्र से जवाब मांगा है। हालांकि कोर्ट ने नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मोदी सरकार हर जगह फंसी दिखाई दे रही है, तो मुश्किलों में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी फंसे दिखाई दे रहे हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान हो या प्रदेश कांग्रेस की मजबूत घेराबंदी, मोहन सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर है। जबकि उसकी सरकार को बने अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और खबर आ रही है कि रात के अंधेरे में सीएम मोहन यादव कांग्रेस के दिग्गज नेता से मिलने उनके घर पहुंच गए हैं, जिससे बीजेपी के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देर रात को मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव अचानक ही भोपाल में पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ से मिलने उनके घर पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में एक घंटे की मुलाकात हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस मुलाकात की तस्वीर को ट्वीट किया है। इस मुलाकात के बाद सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस ने मोहन यादव की सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान शुरू किया है, उससे मोहन यादव की सरकार बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस बीजेपी सरकार पर दबाव बना रही है। जो गारंटी मोदी ने दी थी, जो वादे बीजेपी ने किए थे, जो वादे सीएम रहते शिवराज ने किए थे और जिन वादों पर भरोसा कर जनता ने बीजेपी को वोट दिया है, उन्हें बीजेपी की सरकार पूरा करे। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ अभियान शुरू कर रखा है। दूसरी तरफ अपनी पार्टी के निशाने पर भी मोहन यादव आ गए हैं। शिवराज सिंह चौहान के बयान उन्हें परेशान कर रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ से मोहन यादव की मुलाकात कई सवाल उठा रही है। दावा किया जा रहा है कि मोहन यादव कमलनाथ से मदद मांगने पहुंचे थे, लेकिन कमलनाथ ने क्या आश्वासन दिया है ये साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल कांग्रेस के तरफ से इसे सामान्य मुलाकात बताई जा रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर इस मुलाकात से सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेता ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर कमलनाथ से मोहन यादव क्या मदद मांगने गए थे। अगर विपक्ष के नेता से किसी मुद्दे पर चर्चा होनी थी तो नेता विपक्ष उमंग सिंघार हैं और पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, तो फिर मोहन यादव कमलनाथ से किस मामले में मदद मांगने पहुंचे थे। मोहन यादव ने कमलनाथ से क्या मदद मांगी है अभी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन इससे वो बीजेपी नेताओं के निशाने पर जरूर आते दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ गोवा में भी बीजेपी के पूर्व दिग्गज नेता अपनी ही सरकार के निशाने पर हैं। बीजेपी सरकार के मंत्री ने ही अपनी पहले की सरकार को भ्रष्ट बता दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गोवा के रेवेन्यू मिनिस्टर और बीजेपी नेता बाबुश ने अपनी ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मनोहर पारिकर के 25 सालों की राजनीति में पणजी शहर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। बाबुश यही नहीं रुके, उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि मनोहर पारिकर के कार्यकाल में मुझे एक परियोजना दिखाएं जो पणजी के लोगों के लिए उन्होंने शुरू की। रेवेन्यू मिनिस्टर ने दावा किया कि मनोहर पारिकर ने जिनको सलाहकार बनाया उन्होंने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, हम अब उनके परिणाम भुगत रहे हैं। बीजेपी की सरकार के मंत्री ने अपनी ही पुरानी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बाबुश ने कहा कि पारिकर खुद को पार्टी से बड़ा मानते थे, लेकिन पारिकर के बाद बीजेपी ने राज्य में बड़ी जीत हासिल करके बता दिया कि राज्य में बीजेपी पारिकर के नहीं बल्कि अपने दम पर जीतती रही है। दरअसल बाबुश की नाराजगी मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल पारिकर को लेकर थी और निशाने पर मनोहर पारिकर आ गए। उत्पल ने बाबुश को भ्रष्ट, अक्षम और लोगों की समस्याओं के प्रति उदासीन बताया था, जिसके जवाब में बाबुश ने अपनी पहले की सरकार को ही घेर लिया।
बाबुश के बयान ने विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा थमा दिया है। गोवा कांग्रेस नेता अमित पाटकर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पणजी में स्मार्ट सिटी के संबंध में 2017 में लगाए गए उनके आरोप अब सच साबित हुए हैं। पर्रिकर पर बाबुश का तीखा हमला आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक नई चुनौती साबित हो सकता है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। पीएम मोदी ने मंदिर में झाड़ू ही नहीं पोंछा भी लगाया। चलिए झड़ी झड़ाई जगह पर तो वो पहले भी फोटोग्राफर और मीडिया के सामने झाड़ू लगाते रहे हैं, मगर इस बार उन्होंने मंदिर में झाड़ू लगाई। वैसे समय और स्थान का चयन गलत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।